नमस्कार, मैं नीति सैन। भारी उत्तरी दिल्ली की नारकोटिक सेल की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ड्रग की सप्लाई किया करता था, जिसके चलते नारकोटिक सेल की टीम ने नरेला में छापेमारी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से उम्दा क्वालिटी की हेरोइन भी बरामद की गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बाहरी उत्तरी दिल्ली की नारकोटिक सेल की टीम ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को मुखबिर खास की सूचना पर नरेला में छापेमारी करते हुए नरेला के सेक्टर A5 इलाके से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 285 ग्राम उम्दा क्वालिटी की हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब कीमत 30 लाख रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जाकिर हुसैन के रूप में हुई है। आरोपी जाकिर हुसैन नरेला के सेक्टर A5 का ही रहने वाला है और इलाके में नशे की तस्करी करता है। बहरहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है नारकोटिक सेल की टीम। नारकोटिक सेल की टीम का दावा है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद नरेला में हो रही नशे की तस्करी का जल्द भंडाफोड़ किया जाएगा और नशे की तस्करी करने वाले बाकी लोगों को भी गिरफ्तार जल्द किया जाएगा। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।